हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। हियर श्रुति फॉर यू। एंड अब हम देखेंगे अपना अगला चैप्टर, जो हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 7 सोशल का, चैप्टर 10th, जिसका नाम है स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी। इक्वलिटी के लिए क्या स्ट्रगल किन लोगों ने किए, वो सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस बुक में आपने देखा होगा पीपल्स जैसे कांता के बारे में, अंसारी के बारे में, मेलानी, स्वप्ना, ये सारे लोगों के बारे में हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। थ्रेड जो है, जो कनेक्ट करती है सारी लाइफ्स को, वो ट्रीट की जाती है अनइक्वली। क्या करना चाहिए पीपल को जब उन्हें फेस करनी पड़ती है इस तरह की इनइक्वालिटीज को फेस करते हैं, तो क्या होता है उनके साथ में। हिस्ट्री जो है फुल ऑफ एग्जाम्पल से भरी हुई है पर्सन्स के, जो सब साथ में आते हैं और फाइट करते हैं इनइक्वालिटी के लिए और इश्यू ऑफ जस्टिस के लिए। आप रिकॉल कर सकते हैं स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स को, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। क्या आपको रिमेम्बर है फोटो ऐसे वुमेन्स मूवमेंट के ऊपर, चैप्टर 5 में देखा था। और इस चैप्टर में आप देखेंगे, आप लर्न करेंगे कुछ वेज जिसके कारण पीपल जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वलिटी के अगेंस्ट में। आप देख सकते हैं जितने भी पोस्टर्स हमें बताए हैं, ये सारे प्रीवियस चैप्टर्स के हैं। प्रीवियस चैप्टर्स में आपको ये सारे पिक्चर्स दिखेंगे, क्योंकि इन लोगों ने स्ट्रगल किया है इक्वलिटी के लिए, और यही हमारे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। अब हम शुरू करते हैं कि जैसे आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं इस बुक में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है सारे इंडियंस इक्वल हैं लॉ के सामने, और स्टेट करता है कि कोई भी पर्सन जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके रिलीजन के कारण, सेक्स के कारण, कास्ट के कारण, वेदर वो रिच है या पुअर, इसके कारण सारे एडल्ट जो हैं इंडिया में, उन्हें इक्वल राइट है वोट करने का इलेक्शंस के दिनों में, एंड पावर है उनके पास में बैलेट बॉक्स जो है उसके लिए, और वो यूज किया जाए सभी पीपल्स के थ्रू जो इलेक्ट है या रिप्लेस किए जा सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्लेस कर सकते हैं। बट ये फीलिंग जो है इक्वलिटी के, ये बैलेट बॉक्स प्रोवाइड करता है, बिकॉज वोट जो है वन पर्सन का, ये गुड होता है एज दैट ऑफ अनदर। कोई भी पर्सन, वेदर ही इज रिच और पुअर, उनके वोट बहुत मायने रखते हैं, और ये एक्सटेंड नहीं करता मोस्ट ऑफ द पीपल की लाइफ को। आपने जैसे पढ़ा होगा कि इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन जो होता है हेल्थ सर्विसेज में, या निग्लेक्ट करना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है बहुत सारे पुअर पीपल्स के लिए, जैसे कांता, हकीम शेख या अमन के लिए। गुड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर लेना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो गुड क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस तरह के पीपल्स जो हैं उनके पास में रिसोर्स नहीं होता कि वो एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड कर सके। और इसीलिए मैन जो सेल करते हैं जूस को, सिमिलरली जो मैन वो सेल कर रहा था जूस को, उनके पास रिसोर्स नहीं होता टू कम्पीट विथ ऑल द मेजर कंपनीज जो सेल करती है ब्रांडेड ड्रिंक्स को एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग के थ्रू। स्वप्ना जो है उनके पास सफिशियंट रिसोर्स नहीं था कि वो ग्रो कर सके कॉटन को, और उसे लोन लेना पड़ा उनके ट्रेडर से, और अपने क्रॉप को ग्रो करना पड़ा। ये फोर्सेस, ये सब चीजें स्वप्ना को फोर्स किया कि वो सेल करे उनके कॉटन को लोअर प्राइस में। मेलानी जैसे मिलियन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स जो थे अक्रॉस द कंट्री, उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो एंड्योर करना पड़ता है इंसल्ट और हार्डशिप को वर्किंग में एज अ डोमेस्टिक हेल्प, क्योंकि उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है कि वो सेटअप करें कुछ अपना खुद का। पॉवर्टी और लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू होते हैं की रीजन है, मतलब ये कि क्यों बहुत सारे पीपल इंडिया में जो रह रहे हैं वो हाईली अनइक्वल है। इसी के अपोजिट में देखें तो अंसारीज जो है उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया अगेंस्ट, ना कि इसलिए क्योंकि उनके पास में रिसोर्स नहीं थे, इनफैक्ट डिस्पाइट हैविंग मनी, उनके पास मनी होते हुए भी, रिक्वायर्ड रेंट टू पे रेंट, उन्हें रेंट पे करने के लिए मनी होते हुए भी वो एबल नहीं थे कि वो अपार्टमेंट ढूंढ सके ओवर अ मंथ। पीपल जो थे बहुत ही रिलेक्टेंट थे कि उन्हें लीज में दे सके अपार्टमेंट, बिकॉज उनके रिलीजन जो थे वो लोगों को पसंद नहीं था, या कहते थे वो बहुत ही लोअर कास्ट के हैं, इसलिए उन्हें अपार्टमेंट नहीं दिया जा रहा था लीज पे भी। सिमिलरली मेन रीजन जो है जिसमें टीचर्स ने फोर्स किया था ओम प्रकाश वाल्मीकि को कि वो स्वीप करे स्कूल यार्ड को, क्योंकि वो दलित थे। तो इस तरह से हम देखेंगे, हमने ये भी पढ़ा था कि वर्क वुमेन्स जो होती हैं वो ऑफन कंसिडर की जाती हैं, लेस वैल्यू उन्हें दी जाती है देन एज कम्पेयर टू मैन। और ये सारे पर्सन्स जो हैं उन्हें एक तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है प्राइमरीली, क्योंकि उनके सोशल या कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं उन लोगों से जो रिच कैटेगरी में आते हैं, एज वेल एज बिकॉज वो वुमन है। यहाँ पर हमारा ये रीज़न ये भी है कि वुमन्स को भी इसीलिए वैल्यू नहीं दी जाती।
डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, रिलीजन हो सकता है, कास्ट हो सकता है, सेक्स हो सकता है, अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो है जिसमें पीपल अनइक्वली ट्रीट किए जाते हैं इंडिया में, ये भी बहुत सारे हैं. ऑफन पॉवर्टी और लैक ऑफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो है सर्टन कम्युनिटीज के लिए एंड ग्रुप, वो सब एक साथ आते हैं ऐसे पावरफुल वेज के साथ में, जो बहुत ही जो डिफिकल्ट है उनके साथ में टू आइडेंटिफाई करना कि किस तरह का एस्पेक्ट जो है इनइक्वालिटी के लिए वो एंड हो सकता है और अदर चीजें कैसे वो शुरू कर सकते हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि दलित, आदिवासी या मुस्लिम गर्ल्स जो हैं उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है, लार्ज नंबर में निकाल दिया जाता है, इन द सेंस कि उन्हें पढ़ाया नहीं जाता. ये कंबाइन आउटकम है पॉवर्टी का, सोशल डिस्क्रिमिनेशन का या लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज का उन कम्युनिटीज के लिए. स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी की बात करें तो थ्रू आउट द वर्ल्ड एवरी कम्युनिटी, विलेज या सिटी या टाउन की बात करें तो आप देखेंगे कि कुछ पीपल्स ऐसे हैं जो नोन है और रिस्पेक्टेड है बिकॉज वो फाइट करते हैं इक्वलिटी के खिलाफ. और ये पीपल्स जो हैं वो स्टूड अप होते हैं एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, और जो उन्होंने फेस किया है, जो उन्होंने विटनेस किया है, और वो वेल रिस्पेक्टेड होते हैं बिकॉज वो ट्रीट होते हैं ऑल पीपल्स से डिग्निटी के साथ में, और इसीलिए ट्रस्टेड और कॉल्ड अपॉन होते हैं ताकि वो रिजॉल्व कर सके इस टाइप के इश्यूज को कम्युनिटी के अंदर. Often, some of इस तरह के जो persons होते हैं बहुत ही widely recognized किए जाते हैं because उन्हें support और represent support मिलता है और represent करते हैं large number of people जो unite होते हैं एक particular issue of inequality को address करने के लिए. इंडिया में सेवरल स्ट्रगल्स जो हैं जिसमें पीपल्स जो हैं सब साथ आए और फाइट की उन्होंने इस टाइप के इश्यूज के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 5 में आपने देखा था मेथड्स जो भी यूज की गई वुमेन्स मूवमेंट में ताकि वो रेज कर सकें इशू ऑफ इक्वलिटी को. तावा मत्स्य संघ जो मध्य प्रदेश में है, ये अनदर एग्जांपल है पीपल्स का जो एक साथ आते हैं और इश्यूज पे फाइट करते हैं. और ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं जिसमें बेदी वर्कर्स है, फिशर फॉक है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, स्लम ड्वेलर्स है, और ईच ग्रुप जो है वो स्ट्रगलिंग है या स्ट्रगल कर रहा है जस्टिस के लिए उनके अपने वे में. बहुत सारे अदर अटेम्प्ट भी हैं जो फॉर्म करते हैं कोऑपरेटिव, जैसे आप फॉर्म कर लीजिए या द कलेक्टिव वेज, जिसमें पीपल जो है उनके पास मोर कंट्रोल हो रिसोर्सेज के ऊपर. अब हम देखेंगे तावा मत्स्य संघ क्या है. तो जब डैम्स बनाए गए थे और फॉरेस्ट एरियाज को डिक्लेयर किया गया था सेंचुरीज एनिमल्स के लिए, तो थाउजेंड ऑफ पीपल्स जो हैं उन्हें उस जगह से डिस्प्लेस किया गया या हटाया गया, और पूरा का पूरा विलेज जो है वो अपरूट हो गया, या कह सकते हैं कि पूरा के पूरे विलेज को खाली कर दिया गया और पीपल्स को फोर्स किया गया कि वो अपने घर और कहीं जाकर बनाए, यहाँ से कहीं दूर जाकर अपने घर बनाए, नई लाइफ शुरू करें कहीं और. बहुत सारे पीपल्स जो थे वो बहुत पुअर थे, अर्बन एरियाज में भी बस्तीज जो थी जहाँ पर पुअर पीपल रहते थे उन्हें भी अपरूट कर दिया या फिर उन्हें वहाँ से हटा दिया गया. कुछ उसमें से जो थे वो रिलोकेट हो गए आउटसाइड द सिटी एरिया में, और उनका वर्क जो था एज वेल एज उनके चिल्ड्रन का स्कूलिंग जो था वो इसके कारण डिस्टर्ब्ड हुआ बिकॉज डिस्टेंस जो था आउटस्कर्ट का, सिटी के आउटस्कर्ट जहाँ वो रहते थे वो बहुत ही दूर हो गया था. ये डिस्प्लेसमेंट पीपल और कम्युनिटीज का एक प्रॉब्लम बन चुकी थी, बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड, और ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ते गई, क्वाइट वाइड स्प्रेड हो गई कंट्री में. पीपल यूजुअली साथ आने लगे ताकि वो इस चीज के लिए लड़ सके, और सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी कंट्री में वो फाइट करने लगी उनके राइट के लिए कि उन्हें डिस्प्लेस किया गया है, उस चीज से उन्हें बहुत ही उनके साथ गलत हुआ है, इस चीज के लिए वो लोग लड़ने के लिए सब साथ में आए. इस चैप्टर में हम देखेंगे तावा मत्स्य संघ एक फेडरेशन थी फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव की, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फाइटिंग की थी उन्होंने अपने राइट के लिए, जिनमें उन्हें डिस्प्लेस किया गया था फॉरेस्ट ड्वेलर्स को फ्रॉम द सातपुड़ा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश. शुरुआती में देखें तो महादेव हिल्स जो थे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के, तावा फ्लोस थ्रू बैतूल, जिसमें वो तावा जो है इनका वो हम कह सकते हैं बैतूल से शुरुआत हुई थी बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद. तावा डैम जो है वो बनना शुरू हुआ था 1958 में और कंप्लीट हुआ 1978 में, मतलब 20 सालों में, और ये पूरी तरह से सबमर्ज हो गया लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर लैंड में. फॉरेस्ट ड्वेलर जो थे उन्हें लेफ्ट कर दिया गया.
बिना कुछ ले जाए वहां से, और कुछ उसमें से डिस्प्लेस किए गए पीपल्स जो थे उन्हें सेटल किया गया रिजर्वायर के आसपास, अपार्ट फ्रॉम देयर मियाग्रे फार्म्स जो फाउंड होते हैं लाइवलीहुड में, उनके फिशिंग से जो काम थे उन सबको हटाकर उन्हें सिर्फ वो रिजर्वायर के आसपास सेटल होने की परमिशन दे दी, जिसके कारण उन्हें बहुत ही कम पैसा वहां कमाने को मिल पाता था। ये डैम का हमें फोटो दिया है कि डैम बिल्ड किया गया था रिवर के आसपास एट साइट्स वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर, और ये फॉर्म ऑफ रिजर्वायर जो था और वाटर कलेक्ट करता है पूरी तरह से सबमर्ज हो गया था वास्ट एरिया ऑफ लैंड में, क्योंकि वॉल जो थी डैम की अक्रॉस द रिवर ये बहुत ही हाई थी और वाटर स्प्रेड हो गया था ओवर लार्ज एरिया। और ये फोटो जो है सबमर्ज की वो कॉज हो गई बाय तहरी डैम जो उत्तराखंड में है। ओल्ड तहरी टाउन और 100 विलेजेस जो थे कुछ टोटली और कुछ पार्शियली पूरी तरह से या कुछ आधे हम कह सकते हैं सबमर्ज हो गए थे डैम के अंदर। नियरली 1 लाख पीपल जो थे उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ा या अपने घरों से बेघर होना पड़ा। 1994 में गवर्नमेंट ने एक राइट दिया था फिशिंग के लिए इन तावा रिजर्वायर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रोव करते थे लोकल पीपल को दूर दूर से, और उन्हें चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड उन्हें मिल जाते थे, उन लोगों को कम पैसे में खरीद लेते थे या उन्हें काम करवाते थे। कॉन्ट्रैक्टर थ्रेटन करते थे विलेजर्स को जो लीव नहीं करना चाहेगा या कहता था हम यहाँ से नहीं जाएंगे, उन्हें डराने का काम करते थे, उनके हैंडलूम्स जो है उन्हें ले लेते थे। विलेजर्स स्टूड यूनाइटेड, पर विलेजर्स सब साथ में खड़े रहे और डिसाइड किया उन्होंने कि यही वो टाइम है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करें और कुछ करें अपने इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर उन्होंने न्यूली फॉर्म तावा मत्स्य संघ जो बना, जो जिसमें उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे रैलीज और चक्का जाम किया, मतलब रोड को जो ब्लॉकेड है वो कर दिया था, और डिमांड की थी उनके राइट के लिए कि कंटिन्यू हो सके उनकी फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, उनके जिंदा रहने के लिए उनकी कमाई के लिए ये चीज उनके उनसे ना छीनी जाए। इन रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने क्रिएट की थी एक कमिटी कि वो एसेस कर सकें इस इशू को। कमिटी ने रिकमेंड किया था कि फिशिंग राइट्स जो है वो ग्रांट किए जाएं विलेजर्स को उनके लाइवलीहुड के लिए, और 1996 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो पीपल को डिस्प्लेस जो पीपल थे पीपल डिस्प्लेस बाय तावा डैम फिशिंग राइट्स फॉर द रिजर्वायर, जो भी लोगों को डिस्प्लेस कर दिया था उन्हें राइट दिया जाए कि वो तावा डैम पे फिशिंग कर सकते हैं। 5 ईयर लीज एग्रीमेंट किया था, वो साइन किया गया था 2 मंथ्स लेटर उसके बाद में, और ऑन जनवरी 2, 1997 में पीपल्स जो थे 33 विलेजेस के तावा के, उन्होंने स्टार्ट किया न्यू ईयर विद द फिश विद द फर्स्ट कैच, और फिर उन्होंने वहां से उनकी वापस शुरुआत की। विद द TMS टेकिंग ओवर द फिश वर्क, है ना, और जैसे ही उनकी TMS सिस्टम ने फिश वर्क शुरू किया तो वो एबल हुए कि वो इंक्रीज कर सके उनकी अर्निंग को सब्सटेंशियली, और ये हुआ बिकॉज वो सेटअप की थी उन्होंने अपनी कोऑपरेटिव को जो बाय करती थी कैच करती थी फ्रॉम फेयर प्राइजेस, मतलब जो भी चीजें उन्हें मछलियां फिश वर्क जो होते थे उन्हें वो फेयर प्राइस में बेचने का काम करती थी। कोऑपरेटिव जो थे उन्होंने फिर अरेंज किया ट्रांसपोर्ट और सेल किया मार्केट्स में इनको जहाँ पे उन्हें गुड प्राइस मिल सकता था। अब वो बिगिन कर रहे थे अर्न करना 3 टाइम्स मोर देन दे अर्न अर्लियर, जितना वो पहले कमाते थे उससे 3 गुना ज्यादा अब उन्हें मिलने लगा था। TMS जो सोसाइटी थी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने फिश वर्क्स जो थे फिश वर्कर्स जो थे उन्हें लोन्स देने लगे रिपेयर के लिए और बाय करने के लिए न्यू नेट्स, मैनेज करने लगे टू अर्न हायर वेज एज वेल एज वो प्रिजर्व कर सके फिश को रिजर्वायर के लिए। TMS ने शो किया था कि जब पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें राइट मिलने लगे हैं उनके लाइवलीहुड के, और अब वो गुड मैनेजर बन चुके हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस जो है अगेंस्ट इक्वालिटी आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोगों ने लैंड फर्स्ट ज्वाइन अस, उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि लैंड अगर आपको अपनी चाहिए है तो आप हमें ज्वाइन कीजिए, इस तरह से उन्होंने साथ में आकर ये सारी चीजें की थी। और यहाँ पर एक पोयम हमें लिखी गई है राइट टू नो के बारे में। माई ड्रीम्स हैव द राइट टू नो वाई 4 सेंचुरीज दे हैव बिन ब्रेकिंग, मेरे ड्रीम्स जानना चाहते हैं कि क्यों इतनी सेंचुरीज से वो टूटते जा रहे हैं, मेरे सपने जो है उन्हें तोड़ा जा रहा है, वाई डोंट दे एवर कम ट्रू, कभी वो सच क्यों नहीं होते। माई हैंड्स हैव द राइट टू नो, मेरे हैंड्स कोई राइट है जानने का कि वाई डू दे रिमेन विदाउट वर्क ऑल अलॉन्ग, कि उन्हें अब तक काम क्यों नहीं मिला। वाई डू दे हैव नथिंग टू डू, क्यों उनके पास कोई काम नहीं है। माई फीट हैव द राइट टू नो, मेरे पैरों को भी ये राइट है जानने का कि वाई फ्रॉम विलेज टू विलेज दे वॉक ऑन देयर ओन,
क्यों एक विलेज से दूसरे विलेज वो इसी तरह से पैदल पैदल अकेले जाते हैं, पैदल पैदल जाना पड़ता है, क्यों उनके पास में कोई साइन नहीं है बस की या किसी और व्हीकल की। माई हंगर हैज द राइट टू नो, मेरी भूख को ये जानने का हक है कि वाई गेन रॉट्स ऑफ गोडाउन्स, इतने सारे जो ग्रेन्स के रॉट्स ऑफ गोडाउन्स हैं, मतलब जहां पर ग्रेन सड़ रहा है, खराब हो रहा है, बट आई डोंट इवन गेट अ फर्स्ट फुल ऑफ फिस्ट फुल ऑफ राइस। इतने बड़े बड़े गोडाउन्स हैं या वेयर हाउसेस हैं जहां पर जो ग्रेन रखा है वो खराब होता जा रहा है, लेकिन अब तक मुझे एक मुट्ठी भर के चावल नहीं मिला अपने पेट को भरने के लिए। माई ओल्ड मदर हैज़ द राइट टू नो, मेरी बूढ़ी माँ को ये राइट है जानने का कि वाई देर इज नो मेडिसिन, क्यों कोई दवा नहीं है। नीडलेस डिस्पेंसरीज एंड बैंडेजेस, नीडल्स डिस्पेंसरीज और बैंडेजेस, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के बाद भी कोई मेडिसिन क्यों नहीं है। मेरे चिल्ड्रंस को राइट है ये जानने का कि वाई डू दे लेबर डे एंड नाइट, क्यों उन्हें काम करना पड़ रहा है सुबह शाम। वाई देर इज नो स्कूल ऑन इन साइट, क्यों वहाँ पर आसपास कोई स्कूल नहीं है उनके आसपास जहाँ पर वो पढ़ने जा सकें। ये जो हमें यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वेल सम जॉइन प्रोटेस्ट मूवमेंट टू फाइट इनइक्वालिटी, अदर जो थे वो यूज़ कर रहे थे पेन को और उनकी वॉइस को और एबिलिटी को कि वो डांस कर सके और ड्रॉ कर सके अटेंशन इस इशू के ऊपर इनइक्वालिटी के। राइटर सिंगर डांसर और आर्टिस्ट जो थे वो बहुत ही एक्टिव हो चुके थे इस फाइट के अगेंस्ट में, इस फाइट इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में, ऑफन अगेंस्ट मतलब इस फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी के लिए बहुत ही चौकन्ना हो चुके थे। ऑफन पोएम्स सॉन्ग्स और स्टोरीज जो थी उन्हें वो इंस्पायर करने के लिए बनाई गई और बिलीव करने के लिए बनाई गई स्ट्रॉन्गली इन द इशू एंड इन्फ्लुएंस, ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके एफर्ट जो है वो करेक्ट है हमारी सिचुएशन के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये हम देखेंगे। तो फाउंडेशन जो था सारे मूवमेंट्स का जस्टिस के लिए, या इंस्पिरेशन जो था सारे पोएट्री और सॉन्ग्स जो थे इक्वलिटी के लिए, ये रिकॉग्निशन था कि सारे पीपल इक्वल है। एज यू नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज करता है कि इक्वलिटी सारे पर्सन की सेम है या सारे पर्सन इक्वल है। मूवमेंट और स्ट्रगल्स जो थे इक्वलिटी के लिए इंडिया में कंटिन्यूसली रेफर कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ताकि उनका पॉइंट जो है इक्वलिटी के लिए या जस्टिस के लिए वो सभी के साथ हो। फिश वर्कर्स जो थे तावा मत्स्य संघ में, वो ये सोच रहे थे या होप कर रहे थे कि प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो रियलिटी में आ जाएं थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट। अगर वो इस मूवमेंट में आते हैं तो शायद ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी हमें सारे के सारे जो भी हमारे प्रॉफिट है या सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करेंगे। कॉन्स्टेंटली रेफरिंग कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे कि वो लिविंग डॉक्यूमेंट हो, दैट इज समथिंग जो रियल मीनिंग होता है हमारी लाइफ में जिसका वो। डेमोक्रेसी में ऑलवेज कम्युनिटीज और इंडिविजुअल ट्राई करते हैं कि वो एक्सपांड करें उनके आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को और पुश करें ग्रेटर रिकॉग्निशन को इक्वलिटी के ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। आप देख सकते हैं यहाँ पर और 1500 पर्सन अटेंड करते थे पब्लिक हियरिंग को लखनऊ में 2001 में टू प्रोटेस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और 15 केसेस ऐसे थे वायलेंस के वुमेन्स के खिलाफ जहाँ पे जो सुने जाते थे ज्यूरी के थ्रू, एमिनेंट वुमेन्स जो थी जो प्ले करती थी रोल ऑफ जज, और ये पीपल्स जो थे ज्यूरी के वो हेल्प करते थे हाईलाइट करने के लिए लैक ऑफ सपोर्ट इन द लीगल सिस्टम फॉर वुमेन जो सीक करती थी जस्टिस को इस तरह के केसेस में। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी जो है वो सेंट्रल चीज है डेमोक्रेसी की। इस बुक में हमने ट्राई किया है हाईलाइट करने के लिए ऐसे इश्यूज को जो पोज करता है चैलेंज को इस आइडिया ऑफ इक्वलिटी के डेमोक्रेसी में। और जैसे कि हमने पढ़ा कि जिसमें प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस आती है हमारी कंट्री में, इंक्रीजिंग कंट्रोल जो बिजनेस हाउसेस होते हैं वो एग्जर्ट होते हैं मीडिया के ऊपर, लो वैल्यू जो दी जाती है वुमेन्स को उनके वर्क को, और लो अर्निंग्स जो हैं वो स्मॉल फार्मर्स के थ्रू किस तरह से की जाती हैं, कॉटन ग्रो कर रहे हैं तब किस तरह से हो रही थी, और ये इशू सब्सटेंशियली इफेक्ट करते हैं पुअर और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को, और इसीलिए कंसर्न किए जाते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी को हमारी कंट्री में। ये कोर पार्ट है हमारे स्ट्रगल ऑफ इक्वलिटी का डेमोक्रेसी में। डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है हर पर्सन का और हर कम्युनिटी का, वो सिर्फ रियलाइज किया जाए अगर एडवोकेट रिसोर्सेज जो हैं एडवोकेट रिसोर्सेज अगर मिलते हैं कि सपोर्ट कर सके और नर्चर कर सके फैमिलीज को, और उसके बाद ही ये हो सकता है कि वो फैमिलीज उसके बाद ही डिस्क्रिमिनेट नहीं होंगी, या अगर उन्हें डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए तो ये सारी चीज़ें हो पाएंगी।
तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम इक्वलिटी वाली कंट्री में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से पूरी तरह से हट जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने लास्ट चैप्टर को भी कंप्लीट किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमारा ये सब्जेक्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे भेजें ताकि मैं अपने अगले वीडियोस को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकूं। थैंक यू सो मच।